हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ छोटे से गमले में अमरूद का पेड़ कैसे लगाया जाए। और देखिए, उसमें अमरूद भी लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी तरफ कैमरा करके। देखिए, छोटा सा गमला है और इसके अंदर हम लोगों ने लगा रखा है अमरूद का पेड़। इसमें कई सारे घास भी जमी हुई है, आप देख सकते हैं। ये छोटा सा ही गमला है बिल्कुल, इसको मैंने अपने छत पर लगा रखा है। देखिए, इसमें अमरूद लगे भी हुए हैं। आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा, कोई किसी भी नर्सरी में, अगर आप गांव में, शहर में, कहीं पर भी देखोगे तो। देखिए कितना छोटा ये गमला है, थोड़ा सा दूर होके दिखाता हूँ आपको। और अगर आप इसे अपने घर में लगाना चाहें तो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने घर में लगा रखा है। ये देखिए गाइस, इसमें छोटे छोटे चार पांच अमरूद भी लगे हुए हैं। और आप भी अपने घर में लगा सकते हैं और अमरूद आपको भी खाने को मिलेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत तो नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना होगा और मिट्टी भर करके और गमले के अंदर छेद करना होता है, ताकि जो भी पानी एक्स्ट्रा जो इसमें जमा हो वो निकल जाए। और अगर आपके पास मिट्टी का गमला होता है तो वो और भी बेस्ट होता है प्लास्टिक वाले से, क्योंकि उसमें नमी बनी रहती है। देखिए, ये छोटा सा पेड़ है बिल्कुल, और इसके अंदर अमरूद लगा हुआ है। ये देखिए, ये फालतू फालतू इसमें घास जम गई है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे ऊपर आया नहीं हूँ, तो 2 हफ्ते के अंदर ऐसी घास ये जाम जाती है, हमें इन्हें निकाल देना है। ये किसी काम की नहीं होती है, ये बल्कि हमारे पेड़ को कमज़ोर करेंगी, इसलिए मैं ये निकाल दे रहा हूँ। ये देखिए गाइस, इसकी सफाई भी कर देता हूँ। और आप अगर इसे लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर में छत पे आराम से लगा सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं, ट्री से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, और प्लांट भी लगाता रहूं हर जगह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।